99% किसी भी कंट्री का वीज़ा कैसे गेट किया जा सकता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो शेंजन हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसका 99% वीज़ा कैसे गेट किया जा सकता है इस वीडियो में हम एंड तक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप 99% किसी भी कंट्री का वीज़ा कैसे गेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने दुनिया का मुश्किल तरीन वीज़ा कनाडा का वीज़ा गेट किया इंतहाई ज़्यादा मेहनत के बाद, और वो चीज़ें मैं आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ में बैठे होते हैं, उन्होंने खुद किसी कंट्री का विजिट किया नहीं होता और वो दूसरे लोगों को उसके बारे में एडवाइस कर रहे होते हैं। तो बात ये होती है कि अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज से गुजर चुके हैं तो आपके सामने सारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं, और उनके जरिए जो है वो आप कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। बाय द वे, हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि वीजा ऑफिसर जब भी आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनको वीजा ऑफिसर देख रहा होता है और उसके बिहाफ पे वो डिसीजन लेता है कि वेदर उसने आपको वीजा देना या नहीं देना। दोस्तों, अगर हम उसमें बात करते हैं तो नंबर वन पे जो है वो है आपका सोर्स ऑफ इनकम, वेदर आप करते क्या हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप किसी के लिए काम करते हैं, या आपकी अपनी कंपनी है और किस लेवल की कंपनी है। अगर हम बात करते हैं जॉब्स की, तो आपकी एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए जिसमें अच्छी इनकम आनी चाहिए, एंड सेकेंड नंबर पर आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए ताकि उससे पता चले कि आपकी एक सिक्योर जॉब है जिस पर आप वापस जाएंगे। हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, जैसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है, उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है वो है, जो HST नंबर है वो है, और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट, के वेदर आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं, वो जैसे हम कहते हैं खाते पीते घर के हैं, कि आप इंटरनेशनल ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वीक होगी। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी वीक बैंक स्टेटमेंट होती है और वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि या तो आप इन्विटेशन लेटर लगा लें और या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें, क्योंकि अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं होगी तो ये वीजा का रिफ्यूजल में एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि वीजा ऑफिसर इस बात को नोट कर रहा होता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैंक बैलेंस क्या है। स्पेशली लोग बैंक स्टेटमेंट को ये समझते हैं कि जी 10,000 डाला, 15,000 निकाला, 20,000 डाला, 25,000 निकाला, और आखिर में जी कहते हैं जी हमारी टोटल ट्रांजेक्शन इतनी है। दोस्तों, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस। अगर आपका क्लोजिंग बैंक बैलेंस अच्छा है तो ये वीजा ऑफिसर पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा, अगर क्लोजिंग बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है तो ये वीजा ऑफिसर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो दोस्तों, अगर थर्ड नंबर पे हम बात करें तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने लगते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वीज़ा ऑफिसर ये देखना चाहता है कि अगर आप बड़े कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जो छोटे कंट्रीज़ हैं वो कितने ज़्यादा आप ट्रैवल कर चुके हैं। आई नो कि बहुत सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, वो ट्रैवल नहीं करना चाहते रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या फाइनेंशियली वजह से। ऑफ कोर्स, अगर आप किसी भी 2-3 कंट्रीज़ में जाते हैं तो आपका अच्छा खासा पैसा जो है 2-3 लाख रुपया लग जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको विजिटर वीज़ा मिल जाता है किसी भी बड़े कंट्री का तो आपकी लाइफ बन जाएगी, वो पैसा लगाना वर्थ इट है एज कम्पेयर टू जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके वीज़ा चांसेस कम होते जाएंगे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये, कम अज़ कम आपको 3 से 5 कंट्रीज़ का ट्रैवल करना चाहिए, छोटे कंट्रीज़ का, जिसमें हमारे पास दुबई, सऊदी, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अजरबैजान, टर्की, और जो है वो बाकी फिलीपींस, वियतनाम, ये श्रीलंका, ये कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो आपको अपनी मर्ज़ी से इनमें से 3 से 5 कंट्रीज़ चूज़ कर लो। अगर आप 3 से 5 कंट्रीज़ को विजिट कर लोगे तो किसी भी बड़े कंट्री का वीजा गेट करने में 99% आपके चांसेस हो जाएंगे सक्सेस के।
दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद आपके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैटर करते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं जो कि ये प्रूफ करें कि आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं। और उसके अलावा डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितने ज़्यादा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उनसे वीज़ा मिलने में 99% चांसेस हो जाते हैं। मैंने जब अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल की थी तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स दिखाई थी जो मेरी स्टॉक मार्केट के अलावा में थी, और इसके अलावा मैंने जो अपनी कंपनी के लीज डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी मैंने जब अप्लाई की थी, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका वीज़े में दिक्कत होगी। वीज़ा मिल सकता है अगर आपकी प्रॉपर्टी ना भी हो, लेकिन उसके अलावा आपका स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस चाहिए और इनविटेशन लेटर चाहिए। पर्पस तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका पर्पस ऑफ विजिट। पर्पस ऑफ विजिट में अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको किसी भी बिजनेस सेमिनार या बिजनेस इवेंट को टारगेट करना चाहिए। अगर आप सिंपल पर्सन हैं, अगर आप बहुत ज्यादा घूमे हुए हैं तो फिर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका क्लोज फैमिली मेंबर है जैसे ब्रदर सिस्टर मदर फादर इस तरह के लोग हैं तो फिर आप जो है वो अपने लिए फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मिस्टेक करते हैं वो ये कि जब भी वो किसी भी दोस्त का फैमिली फ्रेंड का या कोई भी फ्रेंड लगा के उसका इनविटेशन लेटर लगा लेते हैं, लेकिन अगर जब भी आप एप्लीकेशन फिल करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। तो आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में क्या देंगे कि जी आप कहाँ से मिले, कैसे मिल गए, और वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड बेस है और उसके बिहाफ पे वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो पर्पज़ ऑफ विजिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका 99% वीज़ा गेट करने में। दोस्तों ये सारे फैक्टर्स होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ वो ये कि आप अपने केस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आप अपने केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके वीज़ा मिलने में 99% चांसेस होंगे, लेकिन अगर आप जो एप्लीकेशंस हैं या जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन है पर्पज़ ऑफ विजिट है उसमें मिस्टेक कर बैठेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। इसलिए मैं तमाम दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि यार आप अपने नियर बाय में कोई भी कंसल्टेंट फाइंड आउट करो जो कि अच्छे से एप्लीकेशन कर सकता है, उसके पास जाओ, उसको रीजनेबल फीस दो और उसके बाद जो है वो आपके लिए वो केस सबमिट करेगा। क्योंकि एक कंसल्टेंट बहुत सारे लोगों के वीजाज से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुका होता है कि कहाँ पे मिस्टेक आ रही है, बल्कि उसका रोज का काम होता है फॉर्म को फिल करना, तो वो वाली मिस्टेक्स नहीं करता जो फर्स्ट पर्सन से एक्सपेक्टेड होती हैं। क्योंकि अच्छे खासे फॉर्म्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना, उनको अरेंज करना, 4 MB से ज़्यादा आप फाइल नहीं अपलोड कर सकते, उनको किस तरीके से टेलर करना है ताकि उसकी क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहे और उसके अलावा जो है वो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो भी पूरा हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी कंसल्टेंट या लॉयर या पर्सन को हायर करें जो कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन केस को सबमिट करो। आई होप कि आपको वीज़ा से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक कर दें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।